वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा दिनांक 18 मई 1992 को प्रातः लगभग 9 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य वंदे नंदोत्न भगवान वाणी में कितना प्यार भरा है, कितना स्नेह भरा हुआ है, कितना हित भरा हुआ है, कितना जीवों का कल्याण भरा हुआ है, इसका कोई पारावार नहीं।
कितना गंभीर विषय, गहरा दार्शनिक विषय, जीव के कल्याण के लिए इतने सुगम बात, सरल बात बताइए, भरी मिलती नहीं। बहुत विशेष अध्ययन करने पर भी इतना रहस्य मिलता नहीं है। भगवत वाणी है, ऋषि मुनियों की वाणी भी बहुत विलक्षण, बहुत अलौकिक, विचित्र है, परंतु भगवत वाणी के तो क्या कहे, साक्षात कहते थे स्वयं। संजय ने कहा है, इतने वासुदेव से पास स्थित महात्मा, वासुदेव भगवान और महात्मा अर्जुन का संवाद मैंने सुना। संजय के हर्ष बहुत आ रहा है, हर्ष की प्रसन्नता बहुत आ रही है मन में। ये पहले अध्याय के बीसवें श्लोक में अथ व्यवस्था में अथ, यहां से गीता शुरू होती है, अथ आता है नहीं, अथ व्यवस्था दृष्टि आधार से अथ है, और इतने हमारे दृष्टि इसी है, इसके बीच में एक अंश है, गीता का अर्थ है इसी, इसी समझ में गीता जो आता है। इत्यहं वासुदेव से पास से महात्मा संवादम एवं अश्रोषम अद्भुतम ब्रह्म विष्णु, कैसा संवाद है, बड़ा ही अद्भुत है, अलौकिक है, विलक्षण है, रोमांचित करने वाला है, इसको सुन करके विचार करके आदि मस्त हो जाए, रोमांच हो जाए, आनंद के कारण से आनंद के अश्वास के आनंद के रोंगटे खड़े होते हैं, अद्भुत विलक्षण है। पारमार्थिक तत्व जो वास्तव में तत्व ज्ञान कहा जाए, उसका भी विवेचन बहुत सरलता से, बड़े सीधी रीति से, बड़ा अलौकिक किया, और भक्ति का वर्णन भी बड़ा ही विशिष्ट, शरणागति की बात विलक्षण जो भी सुनाई वैसी कितनी विचित्र बात बताई, योग का वर्णन भी इतना अलौकिक ढंग से किया है, हरी जी के मिलना मुश्किल है। छोटे से ग्रंथ में बहुत विस्तार से बात बताई है, एक एक विषय को दो तीन तीन छह छह पांच पांच बार कह दिया विस्तार से, या फिर छोटे से ग्रंथ मूल छोटा सा है, भगवान देखते हैं गागारी कलयुग आएगा, अभी तो आरम्भ में ऐसी बात बता दो, जीव का जल्दी कल्याण हो जाए, सुगमता से कल्याण हो जाए। सचिन बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, गहरे गहरे ग्रंथ, कितना ऋषि महापुरुषों ने वर्णन किया है, बड़े बड़े पंडितों ने, बड़े बड़े अच्छे जीवन मुक्त पुरुषों ने, महापुरुषों ने कैसे कैसे ग्रंथ रचनाएं की है, कैसे कैसे दर्शनों का विषय विवेचन किया है, उनको देखते ही बुद्धि सकरा जाती है, परंतु भगवान के ग्रंथ इतने सरल सीधी भाषा, हिंदी भाषा का अच्छा अभ्यास हो तो भगवत गीता समझ सकता है, हिंदी भाषा संस्कृत का विशेष गहरा विषय नहीं होता, जैसे भागवत का ग्रंथ संस्कृत है तो कठिन है, भागवत का ग्रंथ संस्कृत मीठा बहुत है, श्लोक मधुर बहुत लगते है हमारे भागवत की, सरलता गीता में जाता है, सीधा बहुत सुगम सुगम भाषा में, सीधी सीधी भाषा में
बड़ा गहरा विषय का भाषा बेटी सर और बड़ा गहरा विषय और गहरा विषय भी समझाया बड़े सुगमता से जिससे हर एक समझ सके। तो भगवान के सामने कलयुग का विषय था, कलयुग की जनता थी सामने। भगवान ने कहा वेदांत समतीता नहीं, जो बीत चुके हैं अच्छी तरह से सम्यक अतीत काल में उनको मैं जानता हूँ, और वर्तमान आने जो वर्तमान में जितने प्राणी हैं उनको मैं जानता हूँ, और भविष्य जी भूषा ने आगे जितने प्राणी होंगे उनको मैं जानता हूँ। या तो समचेता नहीं वर्तमान आने भविष्य नहीं कहा, और जानने में वेद का वेद मैं जानता हूँ। मैं भूतकाल के प्राणियों को जानता था, अब के प्राणियों को जानता हूँ, अगर ही प्राणियों को मैं जानूंगा ऐसा नहीं कहा है। जानता हूँ भूत भविष्य वर्तमान सब वर्तमान है, भूत जितना काल है वो भी मेरे सामने वर्तमान है, भविष्य काल है वो सब मेरे सामने वर्तमान है, और वर्तमान काल मेरे सामने वर्तमान है। भगवान के सामने भूत भविष्य नहीं है, क्योंकि अभी वो काल नहीं है फिर अगर आएगा वो नहीं है, ऐसा नहीं है, सब वर्तमान सब दर्पण दिखे सब मैं जानता हूँ। इसमें इतना की होते हुए भी लोग पूछो से इच्छा द्वेष समझते न, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष राग द्वेष हर्ष दो चीज है, ये द्वंद्व है, द्वंद इस द्वंद में फस द्वंद मोहेर बात सर्व सारे समूह सर्गे जानती परंतु समूह को प्राप्त हो गए द्वंद मोह राग द्वेष हर्ष ठीक बैठी अनुकूल प्रतिकूल निंदा प्रशंसा आदर निरादर द्वंद फस गया निर्द्वंद हो जाए निर्द्वंद हो अल्लो कह रहे तुम तो बन जा बस निर्द्वंद नित्य स्वस्थ हो निर्योग अक्षम आसमान भव त्रिगुण विषय वेदा निश्चय गुणियों भवान सुन अर्जुन तुम भाव हो जाओ हो जाए वेद भी तीन गुणों के विषय करने वाला वेद से उपशास्त्र न वेदास्त परम शास्त्र न देव केशवास पर भगवान से बढ़कर कोई जो देव नहीं है, वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। तो ऐसे वेद से परे वेद का भी त्रिगुणीय विषय आ गया वेदों वेदों में तीनों गुणों का जो विशेष संसार है उसका वर्णन है, श्रुति भगवती में सब वर्णन है, अपार समुद्र है और विलक्षण विलक्षण बातें भरी हुई है। परंतु जीव बिचारे राग द्वेष दुनिया में फंसे हुए हैं, जान नहीं सकते। सज्जनों ने राग द्वेष वृक्षों को मिटाओ, न मिटाओ तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो, बहुत सरलता से काम हो जाएगा, बड़ा सीधा सरल। माँ सुत है शोको माँ का से शोक मत कर चिंता मत कर, तू चिंता क्यों करता है, शोक क्यों चलेगी सोचा सोचा। अर्जुन ने कही नहीं प्रपस्या में महापुर शोक मत शोषण इंद्रियाना मत शोषण शोक इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए ऐसा मैं कोई उपाय देखता नहीं हूँ। भगवान कहते क्यों शोक करता है आज मेरे साथ आ जा हम तो सिर्फ आप ही भी उठ जाए महसूस भगवान महसूस है शोक मत कर दो यही तो देवी संपत्ति के विषय में महसूस है संपन्न देवी जाता से पांडव तो देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है विचार
और एक सब पापों से मैं भुगतूंगा, तू चिंता मत कर, तू शोक क्यों करता है? मां सुन ना, शोक नहीं कर रहा है, चिंता की बात है ही नहीं कोई। भगवान के सामने चिंता की बात कैसी? ऐसी भगवत वाणी विचित्र है, अलौकिक वाणी, विचित्र वाणी, बड़ी सरलता से, बड़ी सीधी रीति से, जिसमें कुछ भी तकलीफ ना पड़े, ऐसी बात इसमें बताई है। कठिनता नहीं होती इसमें, सुगमता से, बढ़िया से बढ़िया बातें, ऊंची से ऊंची बातें, अच्छी से अच्छी बातें, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बातें, ज्ञानानाम ज्ञान उत्तम, ज्ञान उत्तम सर्वगुह्यतम, अत्यंत गोपनीय, ऐसी बातें मिल सही है तो जल्दी सुगमता से कल्याण हो जाए। शोक की चिंता की बात क्या? सरल बात है, सीधी बात है, शरणागति की जो वादी है बस, 56 से 66 तक का विषय तो बहुत ही मीठा है। अठारह अध्याय में शरणागति का, सर्व कर्मान्य सदा कुर्बानो, सर्व कर्मान्य भी सदा कुर्बानो, कर्म के साथ में तो सर्व शब्द लगा दिया, सर्व कर्मान्य और कुर्बानी के साथ में सदा दे जोड़ दिया, सदा करता है सब कर्म, जितने हैं खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना, मामूली जो कार्य नित्य सदा ऐसे सब काम करता हुआ, सदा ही करता हुआ ऐसा ही। एक ही बात मत विपास आश्रय की मेयर, धन का, पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, जायदाद का, आश्रय मत रहे, हाथ से उपार्जन की हुई वस्तु के अधीन हो जाए तो ऐसा नहीं, मत आश्रय, सब काम से करता हुआ केवल मेरी सर्व हो जाए, कि मेरे सदा सब काम करता हुआ। पहले बताया कि एक सभी सेवी लघुभाषी यथवा का मांस है ध्यान उपरो नित्यम वैराग्य सुपास अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम प्रेम विमुष्य निर्मल शांत विमुभूयाय कल्पते विमुभूषण। कितने साधन बताए बनाए, ऐसे साधनों से जो बात होती है वो यह हो जाएगी महाराज, सदा सब काम करते हुए यहाँ कैसे हो जाएगी? तो मत विकास मत प्रसाद मेरी कृपा से हो जाएगा। अब और बड़े बड़े विघ्न, बड़ी बड़ी बाधाएं, तरह तरह की बात आती है, उसे मत चेता सर्व दुर्गानी मत प्रसाद, मत प्रसाद दोनों में कहा है, विघ्न बाधाओं को दूर वो भी हो जाएगी मेरी कृपा से, और मेरे तत्व की प्राप्ति मेरी वो भी परम शांति मेरी कृपा से। इस बार मन विकास से एक देखे कैसे होगा, मेरी कृपा से बोलो कौन है वो सामने आता है, मेरी कृपा से हो जाएगा सब खुल करके बात कहेंगे प्यारे अर्जुन के प्रति कितनी शुभ बात की, बढ़िया बात बताई, बड़ी प्यारी बात, बड़ी स्नेह भरी हुई, हित भरी हुई, बड़ी प्यार भरी हुई, ऐसी बारी से भगवान ने कहा है। सचिन तरह विचार करे तो आदमी निहाल हो जाए, मुफ्त में बहुत सरलता से समझने के लिए माथा पस्ती नहीं करने पड़े, गहरा विषय समझना नहीं पड़े, और गहरे में गहरा विषय सरल हो जाए, सरल हो जाए, सरल भगवत गीता के भावों को समझा जाए तो बड़े बड़े कठिन विषय है दार्शनिक बड़ा सरल हो जाए, आत्म कल्याण के लिए उपयोगी है वो, लड़ाई झगड़ा करना वो बात एक अलग है, पंडिताई बघारना तो बात अलग है, पर सब बड़े कल्याण के लिए सब बातें बताई। कोई कहता है ज्ञान का विषय, कोई कहते भक्ति का विषय, कोई योग का, कर्म योग का विषय है, ऐसी बात अलग अलग कैसे है,
तो सब बातें कैसे कही इसमें कि अर्जुन ने पूछा है कल्याण के लिए पूछा है अर्जुन ने तीन बार बात कही अर्जुन तीन बार निश्चित भूमि धन में जिससे निश्चित कल्याण हो वो बात कही है ये निश्चित श्रेय रामबाण उपाय बोलते ही कल्याण का अचूक उपाय वो कहो महाराज तद एक निश्चित ये दृष्टि हो बात में आप से एति और एकम तन्ने गुरु सुनिश्चित एक तन्ने गुरु तो कल्याण करने वाली जितनी बातें है वे सबकी सब बात गीता में है कहीं भी जो वास्तव दार्शनिक बातें है जीव का उद्धार करने की बातें है कल्याण करने की बात है वो बाकी नहीं छोड़ी उनमें भी आपस में तारतम्य कितनी कितनी कैसे कैसे उसमें बता दिया ये कठिन है ये शुभम है ये सरल है ये करना तेरे कुछ नहीं मैं करूंगा सब सब बातें बता रहे तो कल्याण के सब विषयों का वर्णन करना पड़ा इस वक्त यश से सब विषयों का वर्णन हुआ एक विषय का वर्णन कैसे करे भगवान अर्जुन से पूछता कल्याण पूछता है कल्याण की भाव है पहले अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ था युद्ध के लिए तैयारी करके युद्ध के लिए गया था परंतु अर्ज में पूछा है श्री अपने कल्याण ये बात पूछी घबरा गया युद्ध करने से इनकार कर गया युद्ध नहीं करूंगा महाराज बातों से पहले पहले क्या मेरा ठीक नहीं है ये पाप लगेगा ये हो जाएगा कुछ कुछ भी प्रश्न थी कुल धर्म स्नातरा धर्म कुल कृष्ण बधम अधर्मा भगवान कृष्ण प्रदर्शन थी कुल स्त्री सुदुष्टा स्वास्थ्य जायते शंकर शंकर धरेगा यही हुआ खूब अंदर से अंदर से परंपरा बताए अहो बहुत महत्व राम 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 बड़ा पाप बड़ा भारी पाप करने के लिए उद्देश्य हो गए ऐसे करके युद्ध से उपरा हो गए महाराज ये बातें से कहते कहते अंत में नहीं और से कह दिया साफ युद्ध नहीं करूंगा मैं युद्ध करूंगा नहीं करूंगा युद्ध कोई फायदा नहीं सब अब क्या बताए से बताओ कल्याण बताओ कल्याण है वो बात कह रही है हमें युद्ध नहीं है हमें नहीं चाहिए न कांसे विजय कृष्ण न तो राज्य न तो सुखा न सुख से आता हूँ न राज्य से आता हूँ न भोग से आता हूँ न ईश्वरी से आता हूँ मैं कुछ नहीं चाहता हूँ अब जो निश्चित कल्याण हो बात ही कहो उस सब तरह से मैं इस बात को चाहता नहीं है इसे क्या होगा शोक तो मिटेगा नहीं चिंता मिटेगी नहीं तो मैं कर रही लेकिन करूंगा क्या अंत में नतीजे क्या हो इस बात से महाराज ये शेष कल्याण हो जाए शंका होती है युद्ध के समय ज्ञान की भक्ति की इतनी बातें कहने की क्या जरूरत थी एकांत में एकाकी निष्क्रिय शौकुर की गला बैठा ध्यान योग करो निश्चिंत रह जाएंगे सब बात पर भी छठे अध्याय में भी ध्यान गया योगी इंद्रिय सप्तम आसन एक राशि स्थित है एक अंत पर से ध्यान करे तो एक अंत पर ध्यान करने का भी समय था क्या हुआ युद्ध में बैठ कर ध्यान करे बाढ़ चला कर ध्यान करे तो ये बातें क्यों कही अर्जुन ने कहा जो कल्याणकारी बात है भगवान कहते कल्याणकारी एक नहीं छोड़ूंगा सब बातें कहूंगा तेरे लिए ठीक है मेरा काम कर तू तो मेरा कहना कर फिर तेरे क्या जरूरत है बस कल्याण की बात पूछता है तो कल्याण की सार बात बताऊंगा सब तरह से ऐसी बात तो बड़ी विशिष्ट बात ढंग से भी कर गीता में कहा कैसी कैसी विलक्षण बात है कैसी अलौकिक बात है
क्या है, कितना प्रेम हुआ रही बाणी में, कितना रहस्य भरा हुआ है, कितना स्नेह चपकता है, स्नेह पास प्रसाद देना 38 बार का है ना, 39 बार आया कि सब पास पास 38 बार संबोधन आया, अर्जुन को बताया इतना समुद्र कोई नहीं है, कौन से है वो थोड़ा है, सबसे बढ़ के पास प्रसाद अंदर पैसा मेरी बुआ उसका बेटा बड़ी प्यार से घर है, अर्जुन सा घबरा गया हमारा साधन करते करते अंत में चूक गया, योगा त्रित मना हो गया, काम करते कृष्ण कृष्ण थी इस मुख से दो बार टूट कह दिया, छठे अध्याय में जहाँ घबराया है ना अर्जुन कि महाराज साधन करते करते बीच में रह जाए, मर्जिया बीच में पूरी पूर्णता हो नहीं तो किस गति को जाता है, क्या होता है, महाराज घबरा गया जी, वो क्या पता या एक मौका सूखा फिर कहाँ जाए, कैसे चला जाएगा, कृष्ण कृष्ण दो बार था, नौ बार तो यही कृष्ण सब गीता भर में, दो बार तो यही कह दिया, सात बार पूरी गीता पढ़ती आई तो भगवान भगवान बोलते पार्थ नहीं में ये नाम बोल रहे स्वस्थ आओ प्रसाद कृष्णो सुना मनुष्य थी, जैसे बदल का टुकड़ा बदल से छोड़ कर बदल को आगे बदल में चाने लगा और बीच में सिंध भी हो गया बट गया, ऐसे दशा होती है कि संसार को तो छोड़ दिया, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं और संसार चाहता नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं तो संसार को छोड़ दिया, परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं कैसे उसकी क्या दशा होगी, तो भगवान सबसे पहले पास नहीं है नाम उतरा बिना स्वस्थ, जो मेरे लिए साधन करता है उसका ना इस लोक में ना परलोक में कभी नाश नहीं होता, नहीं वे है ना वो है यहाँ ना अमूत्र न परलोक में नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गतिन तातगति भैया प्यारे ये तात समझ एक बार है की तो भर में ये तास यहाँ आया घबराए हुआ था, अरे प्यारा है प्यारे तात समुद्र ऐसा है, माँ को तात कह सकते, पिता को कह सकते, भाई को कह सकते, बेटे को कह सकते, बाप को कह सकते, गुरु को कह सकते, ऐसा प्यार भैया अजय प्यारे है सुनो नहीं कल्याण कृष्ण कष्ट दुर्गति कल्याणकारी काम करने वाले की दुर्गति कभी होती नहीं होगी नहीं तो चिंता छोड़ दे तो बिल्कुल छोड़ दे, फिर दो तरह गतियां बताई सब बताए, बहुत टपकता है प्यार इतना भरा हुआ है, ऐसा मीठा अलौकिक विचित्र ग्रंथ है, और देखो एक बात और याद आ गई इसमें, अब इतना हमारा शास्त्र है जिसका अंत ही नहीं है, अनंत पारम खिल शब्द शास्त्र में एक शब्द शास्त्र व्याकरण तो अनंत पारम है, बहुत अपार शास्त्र है व्याकरण भी और दूसरे शास्त्र सभी जिसे सांख्य है योग है न्याय है विशिष्ट है पूर्ण मीमांसा उत्तर मीमांसा ऐसे कई शास्त्र है, कितने कितने गहरे गहरे अध्ययन है, जिनमें पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाए खुद पढ़ाई पूरी नहीं हो, ऐसे शास्त्र इतना होने पर भी बात नहीं मिले हो, अपनी बात एक याद आ गई ऐसे शास्त्रों को देख करके कोई उसे समुद्र में से कोई राय निकालना चाहे तो राय कैसे निकाल कैसे बचाव है, ऐसे शास्त्रों में से कोई निकालता है सार कोई ग्रंथ पता नहीं लगता, वो बहुत गीता ग्रंथ छोटे सार अपने को पता लग गया, ये एक विशिष्ट बात है, ये बात विशिष्ट हुई
अगर निगाह करके खोज कर निकाले तो सब शास्त्रों को देखे, फिर उनमें सार क्या क्या चीज है, कैसे कैसे शास्त्र, कैसे कैसे बातें, सार क्या क्या चीज है, तो अलग गीता क्या कर बता दी, बता तो दी, पर एक बड़ी अलौकिक भगवान की कृपा हुई, हम लोग को गीता मिल गई, हम लोग पता लगे ये है शास्त्र, तो अलग निगाह भगवान ने दे दी। ये कोई बड़ी विशेष कृपा है, आज इस जमाने में ये कोई अलौकिक बात है, ऐसी प्रकट बात है सब, फिर भी लोग पकड़ नहीं पाते हैं, असली भूख नहीं है, असली चाहना नहीं है, इसमें चटपटी नहीं है, मन में रागी चटपटी, कब निको घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब भूल जाए, एक चटपटी लगे भगवान, बस इतनी बात है, वो चाहिए है। अब दुनिया ऐसे ही कहता महाराज युद्ध मैं नहीं करूंगा, अब क्या करूं, कि बड़ो मुश्किल हो रही है, सारे का बेबसुस समय सही है, कंपनी भी आ रही, कांडी धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, ब्रह्मती उसने बना मूसा आती है, उसमें मैं जैसे चक्र चक्र आ रहा है, मैं क्या घबरा गया, युद्ध करना चाहता नहीं, ये मर जाएगी, घर वाले सब मर जाएंगे, अब क्या करूं, कैसे करूं, ऐसा घबरा गया कि स्वयं भोग तुम भेजो भी ही लोग है, इस लोग में भीख मांगे खाने का श्रेष्ठ है, जो क्षत्रिय के लिए निषेध है, पर वो मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, इस युद्ध से कतल से ठीक मानता हूँ, ऐसा उपदेश दिया, उस हर चीज भगवान का है, और अपना मित्र प्यारा प्यारा मित्र अर्जुन, कोई गीता प्रसंग नहीं, प्रसंग युद्ध का, कोई गीता के लेन देन नहीं, कोई दार्शनिक विषय नहीं, कोई एकांत का समय नहीं, कोई शिष्य उसकी संबंध नहीं, कल्याण का उद्देश्य नहीं, भाव नहीं, उद्देश्य से युद्ध का, इकट्ठे से युद्ध के समूह था युद्ध सभा, जिस राष्ट्र में कहते युद्ध की इच्छा हुए इकट्ठे हुए, उन्हें सामने बात बताई महाराज, ऐसी बात बताई, उसने कल्याण की बात पूछी, कल्याण की बात भगवान ने कही, और छोटे से ग्रंथ में और बड़े भारी आश्चर्य की आनंद की विलक्षण बात है, हमारे को पता लग गया वो ये गीता है, इसे ग्रंथों में खोजना मुश्किल है, मैंने समुद्र की तरह ग्रंथ है वो, उससे उन ग्रंथों में से एक कोई ग्रंथ कौन सा सुने थे, वो सर्वश्रेष्ठ हो, बढ़िया हो, छोटा हो, शुभ हो, गहरा विषय हो, जीव का कल्याण करने वाला वो गीता, उस गीता का पता लग जाए, हम लोग जैसे कलयुग के जीव, कलयुग के जीव, सतयुग के जीव श्रेष्ठ थे, सतयुग से करे दोष निधि राजन जस्ती को मान, दोष निधि दोषों का खजाना, करना अधर्म मित्र है ना, अधर्म का मित्र, उसमें जन्म मारा हम, उनको ये गीता तो ये विचित्र बात है, बड़ी अलौकिक बात है, बड़ी विचित्र बात है, कैसी बात है भाई, क्या बता मौज होगी भगवान, अलौकिक कृपा होगी, ये तो होगी होगी होगी, उस कृपा के प्रभाव में हम आ गए, न जाने कहाँ भटकते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं है, ऐसे कलयुग का प्रवाह नास्तिकता की तरफ जोर से चल रहा है, पापों का जोर खान पान व्यवहार लेन देन सब मरज महान भ्रष्ट हो रहे हैं, ऐसे महान भयंकर समय में और इतने ग्रंथों में और सारे ग्रंथ सिर्फ मिला दिया सेठ, ये बात कैसी बात है भगवान की कृपा, अब ऐसे है छोरा वहां छोरा माँ सिर पर हाथ रखे बाहर के हाथ गोले हाथ अच्छा अच्छा गोल ये भगवान को हम तो फेंकते आएंगे अच्छा अच्छा बेटा अच्छा